शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कभी बुरके के पीछे छिप कर वार नहीं करता ढोलकिया, तू जानता है मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सीना ठोक के किया है। मैं जानता हूं मेरे सबसे बड़े दुश्मन की जान उसकी बेटी में अटकी है, मगर अफसोस तेरी जान इस वक्त मेरे कब्जे में नहीं है। पहले भी एक बार तूने उस पर वार किया था, अब मैं कैसे मान लूं कि यह काम तेरा नहीं? क्योंकि मानने के सिवा तेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। देख ढोलकिया, मैं यहां अपनी बेगुनाही साबित करने नहीं आया, बल्कि तुझे ये बताने आया हूं कि अगर तेरी बेटी मेरे कब्जे में होती तो ये मीटिंग तू नहीं मैं बुलाता। अपनी जगह पर, अपने ठिकाने पर, और तब तुझसे मैं वो सारी शर्तें मनवाता जिसकी वजह से पिछले 20 सालों से हम दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है। समझा ढोलकिया, हमारे धंधे में हम दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखते हैं। मैं तो क्या, अंडरवर्ल्ड के तेरे किसी भी दुश्मन ने यह काम नहीं किया है। तो फिर कहां है वो? दूसरों का घर चलाने के बजाय अपने घर में झांक कर देख ढोलकिया, तुझ पे ये वार तेरे किसी पुराने दुश्मन ने नहीं किया है, बल्कि कोई नया दुश्मन पैदा कर लिया है तूने। प्रताप, अपने घर के टेलीफोन बिल्स के डिटेल्स हैं। पिछले एक महीने में हमारे घर से जितने फोन किए गए या जितने फोन यहां आए, सबका रिकॉर्ड है इसमें। सारे नंबर जाने पहचाने हैं सिवाय एक नंबर के। नवरात्रि के दिन से सगाई के दिन तक इस एक नंबर का लगातार इस्तेमाल हुआ है। नंबर क्या है? हसन है। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोहित कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम सर। रोहित कहाँ है? रोहित कहाँ है? पता नहीं। रोहित कहाँ है? कहाँ है रोहित? बॉस, मैं यहाँ हूँ। अपने आप को बहुत होशियार समझता है तू। तू समझता है कि रमन की बहन को भगा ले जाएगा। बोल, कहाँ है मेरी बहन? मेरी बहन, कहाँ है मेरी बहन? सपना कहाँ है? यहाँ। साले यहीं से उखाड़ के फेंक दूंगा मैं। Thank you.
मुझे कोई भगा कर नहीं लाया भैया, मैं खुद ही अपनी मर्जी से आई हूँ। तू गाड़ी में बैठ भैया। तू गाड़ी में बैठ भैया, मेरी बात तो सुनो। तू गाड़ी में बैठती है या? सपना को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा तेरा। भूल दो साले को। हमारी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन इनके सीने पीछे नहीं हटेंगे। कितने आदमी मारोगे तुम? दो, चार, छः, दस। उसके बाद मरना तो तुम्हें भी पड़ेगा। कोई नहीं मरेगा। बंदूक नीचे करो, नीचे करो बंदूक। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात किए बिना यहां आने की? लेकिन पापा। शट अप। जाओ जाकर गाड़ी में बैठो रमन, जाओ। आप सब भी शांत हो जाइए। अपने बेटे की तरफ से मैं आप सब से माफी मांगता हूं। खून खराबे की जरूरत नहीं है। मैं माफी मांगता हूं आप सबसे। इतना सा भी भरोसा नहीं रहा अपने बाप पर? एक बार तो मुझसे अपने दिल की बात कहकर देखी तो होती बेटी। समझता हूं बेटी, तेरे इस डर में एक बाप की हार छिपी हुई है। तेरा कोई कसूर नहीं, शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रह गई होगी। इस लड़के से अच्छा दामाद मुझे मिल ही नहीं सकता। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि सपना की शादी रोहित से होगी। मेरी अगर एक बात मानोगे तो एहसान होगा मुझ पर बेटा। हर बाप की तरह मेरा भी अरमान है कि मेरी बेटी की डोली मेरी ही चौखट से उठे। अपने हाथों से इसका कन्यादान करके धूमधाम से तुम्हारे साथ इसे विदा करना चाहता हूं। मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो बेटा। ये आप क्या कर रहे हैं सर? जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा सर। चलो बेटी घर चलो, शादी की तैयारी करनी है। पूरी हो गई। क्या हुआ? मैं सोच भी नहीं सकती थी भाभी की जो कुछ भी मैंने चाहा मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। तू बताएगी भी क्या हुआ? बताए, रोहित हमारे घर बारात लेकर आएगा, मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी भाभी। वो सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर के मुझे हमेशा के लिए यहाँ से अपने साथ लेकर जाएगा भाभी। भाभी, पापा ने दुनिया भर की खुशियाँ मेरी झोली में रख दी है। आज मैंने समझा कि मेरे पापा भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना दुनिया भर के पापा अपनी बेटियों से करते हैं। बस कर सपना, बस कर। तू सच बात तो यह है कि तूने कभी अपने पापा को ठीक से समझा ही नहीं। धोखा दिया है उन्होंने तुझे, फरेब किया उन्होंने तेरे साथ, साजिश की उन्होंने तुम दोनों के खिलाफ, झूठ बोला है उन्होंने तुमसे और रोहित से ताकि बिना कोई तमाशा किए वो तुझे वापस इस घर में ले आ सके। ये नहीं हो सकता भाभी। ये हो चुका है सपना,
तेरे पापा और तेरे भैया में कोई फर्क नहीं है। उन दोनों को सिर्फ अपनी झूठी शान प्यारी है, अपनी इज्जत प्यारी है, और इस शान की खातिर वो अपनी बेटी की खुशियों का गला भी घोट सकते हैं। ये सब झूठ है भाभी, ये सच है सपना। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते पापा, इतना बड़ा धोखा अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकते पापा। मैं रोहित के बगैर मर जाऊंगी पापा, मुझे रोहित से अलग मत कीजिए प्लीज पापा। मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया भाई, प्लीज मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार अपनी खुशियां मांग रही हूँ, प्लीज इनकार मत कीजिए भैया प्लीज। गबू चाचा, आपने तो मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, आप पापा के सबसे अच्छे दोस्त हैं, आज तक उन्होंने आपकी कोई बात नहीं डाली, तो आप ही उन्हें समझाइए ना, समझाइए उन्हें कि रोहित मेरी जिंदगी है और मुझसे मेरी जिंदगी जीने की कोशिश ना करे। जिंदगी मैं तेरी नहीं रोहित की छीनूंगा, अगर आज के बाद उसका नाम भी तेरी जबान पे आया तो टुकड़े कर दूंगा उसके। अब जाओ कमरे में जाके सामान पैक करो, लंदन जा रही हो तुम आज रात को लक्ष्मी बुआ के पास। प्रताप, इन्होंने तो कहा था कि आप घर पे मिलना चाहते हैं, तो फिर यहां तो जैसे धोखेबाज को घर पे बुलाया नहीं जाता, जो धोखा देकर घर में घुस जाता है। तूने क्या समझा था कि तू मेरी चौखट से मेरी बेटी को डोली में बिठाकर ले जाएगा और मैं एक मजबूर बाप की तरह फूल बरसाता रहूंगा? मैंने तुझे अपने सामने बिठाया, इज्जत दी, प्यार दिया, भरोसा किया तुझ पर, और तूने मेरे साथ क्या किया? विश्वासघात, विश्वासघात, विश्वासघात। और बदले में आप क्या कर रहे हैं सर? मैंने भी तो आपकी बातों पर भरोसा करके सपना को आपके साथ भेजा था, और आपने तू होता कौन उसे मेरे साथ भेजने या ना भेजने वाला? और रही बात धोखे की, तो मैं किसी का हिसाब अपने पास नहीं रखता। तूने सपना के लिए मुझे धोखा दिया और मैं तुझे धोखा देकर उसे वापस ले आया। आज भी मैंने तेरा एक हिसाब चुकाने के लिए तुझे यहां बुलाया है। एक बार तूने मेरी बेटी की जान बचाई थी, आज मैं तेरी जान बचाता हूं। जा, मैं तुझे जीने का एक मौका और देता हूं, चला जा यहां से, हमेशा के लिए चला जा। और एक बात अच्छी तरह से सुन ले, अपनी बेटी को तो मैं सिर्फ इस देश से दूर भेज रहा हूं, मगर आज के बाद सपना का नाम भी तेरी जुबान पे आया तो मैं तुझे जिंदगी से दूर भेज दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। आपके चिल्लाने में एक बाप की कमजोरी की बू आ रही है ढोलकिया साहब, माफ कीजिए, पर आपने मुझे यहां पर मेरी जान बख्शने के लिए नहीं बुलाया,
बल्कि अब भी मुझसे अपनी बेटी वापस मांग रहे हैं आप। उस दिन झूठ बोल के सपना को तो अपने साथ ले गए आप, पर आपकी बेटी मेरे पास ही रह गई। जब उसे डरा धमका कर उसके दिल से मुझे नहीं निकाल सके तो मेरे पास आ गए ताकि मैं खुद उसके रास्ते से हट जाऊं। आप कॉलेज में भी भीख मांगते हुए आए थे और अब भी मेरे सामने भीख मांग रहे हैं आप, पर आप हाथ उठाएं या हाथ फैलाएं, मैं अपना प्यार आपकी झोली में नहीं डाल सकता, क्योंकि अब इसके सिवा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। और रही बात सपना को यहां से दूर भेजने की, तो एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए ढोलकिया साहब, सपना मेरी होने वाली पत्नी है, और मेरी होने वाली पत्नी को इस देश से तो क्या, इस शहर की हद से बाहर नहीं ले जा पाएंगे आप, और ये मेरा वादा नहीं, मेरा दावा है आपसे। तूने मेरी बात मान ली होती। इस एक थप्पड़ से तेरा हिसाब पूरा नहीं होगा, तेरी एक एक सांस को हिसाब देना पड़ेगा। मार दिया साले को, बस उसकी लाश को ठिकाने लगाना बाकी है। ये काम बहुत ठीक से करना रमन, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने रोहित को जान से मार दिया है। हाँ।
कहते हैं कि जब बच्चे की जिद बाप पूरी ना कर सके तो वो अपनी माँ के पास चला जाता है। इस घर में आपने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, पर आज मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी माँ के पास चले जाऊं। किसी ने चैन से जागने नहीं दिया कभी, शायद इसलिए मैं चैन की नींद सोने जा रही हूँ। मुझे खुशी है कि इसके लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी।
चुकी है रोहित, मुझे लगा तुम मैं जा रही हूं। तुम मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाओगी सपना, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। पागल है साले, पागल है तू। अगर इसके लिए मरना चाहती है तो मर, लेकिन ये भी तेरे साथ जाएगा। मौत का खेल खेलते हुए अपनी जीत पर खुश होते रहे आप, आज आपकी अपनी बेटी इस खेल में आपको मात देकर हमेशा के लिए चली गई। जिंदगी भर आपके बनाए इस पिंजरे में चुपचाप पड़ी रही वो, कभी माथे पर शिकन तक नहीं आने दी उसने, और आप उसकी इस खामोशी को अपने प्यार का मेडल समझकर शान से घूमते रहे। चंद सांसें उसने अपनी मर्जी से लेनी चाहिए तो आपने उससे उसकी सांसें ही छीन ली। जिंदगी का हाथ पकड़कर उसने आगे बढ़ना चाहा तो आपने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। नहीं ढोलकिया साहब, आपकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, खून किया है आपने उसका। Woo!
मिस्टर ढोलकिया, अंदर जाकर आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं। शी इज ऑल राइट नाउ। Thank you.